बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिर से पाठ प्रवास। ठीक है, विषय हिंदी है ना आपका, छत्तीसगढ़ भारती में से पाठ 10 है प्रवास, भाग 2 के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम लोगों ने पाठ पढ़ ली थी ना उस दिन, कौन सी प्रवास, लेकिन एक भाग पढ़े थे ना, ध्यान है ना। और मैंने ये भी कहा था कि आपको पाठ को आगे पढ़ना है, इसलिए मैंने आगे से प्रश्न भी आपको सुझा दिए थे कि इस प्रकार से बात भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज द्वितीय खंड को देखेंगे जो हमारे पास शेष रह गया था। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक, तो निकालें फिर से अपने पाठ को आप सभी। पहले दिन हमने देखा था, क्या देखा था, बिल्कुल सही, कि प्रवास पर ये क्यों जाती हैं, ठीक है, कितने समय के लिए जाती हैं, कहाँ जाती हैं, 2-3 तरह की मुख्य बातों को हमने आपके सामने लिया था। अब हम आज देखेंगे बच्चों कि ये जो परिंदे हैं यानी पक्षियाँ जो हैं, वे जब यात्रा पर जाती हैं तो इनकी तैयारी किस तरह होती है। आप भी जाते हो ना सफ़र में पापा मम्मी के साथ में घूमने के लिए जाते हो, वो अभी तो प्रवास है ना बच्चों। प्रवास केवल, मैंने पहले दिन बता दिया था आपको कि ये मानव जगत के लिए है, तो केवल काम करने वाले ही मेरे बंधु जाते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रवास में हम कहीं घूमने के लिए भी गए होते, वो अभी प्रवास ही कहला जाता है, यानी हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि हम एक अलग प्रवास की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे मानव जगत में, यानी जब हम जाएं कहीं घूमने के नाम से भी, जिसको हम प्रवास कहें, जाते हैं तो भी हम तैयारी करते हैं, ठीक। और कोई रहने के नाम से कहीं जा रहा है 2-4 महीना, जो मैंने बताया था कि मजदूरी करने के लिए कोई जा रहे हैं, तो वो भी तैयारी करके जाते हैं, ठीक। आपको इसका अनुभव नहीं होगा लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती, आपको जानना था, इसलिए मैंने उस दिन कहा था प्रश्न देकर कि आप क्या तैयारी करते, आप सोचिए, ताकि आप इस पाठ को पढ़ने में आपकी दिलचस्पी जो यहाँ पर बढ़ सके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये परिंदे किस तरह से तैयारी करते हैं, ठीक। यात्रा पूर्व तैयारी, ठीक, कैसे करते हैं, अपनी मतलब ये जो चिड़िया है, अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले ये प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयारी करती हैं। वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए, जो उनको या उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब चिड़ियों को प्रवास के लिए जाना होता है, वो जानती है ना कि हमें प्रवास के लिए जाना है, तो जाने के पहले ही, जैसे हमें पता रहता है ना कि हमको जाना है तो हम अपनी तैयारी करते हैं, ठीक वैसे ही इन चिड़ियों को पता हो जाता है कि हमें जाना है, तो जाने के पहले तैयारियां करती हैं। इस तैयारी में सबसे पहली बात यह है कि खाने की फिक्र इनके पहले होती है, तो क्या करती है, कुछ दिन पहले से ही अधिक मात्रा में खाना शुरू करती है। इससे क्या होता है कि वो जो खाना है इनके पेट में एक चर्बी की तह के समान, तह मतलब एक लेप जैसा उनके पेट में रह जाता है, और वही चीज जो है इनके उड़ने में इनको ताकत देती है। आगे भाषण में, तो चिड़िया अधिक मात्रा में खाना क्यों खाती है बच्चों, ताकि बाद में इनके शरीर को उड़ने के लिए एक शक्ति मिल सके, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ने पर, ये पहली बात, ठीक है, कि खाना नहीं खाती हैं, क्या और कुछ करती हैं, देखते हैं। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुब नुमा का काम देता है। दूसरा मुद्दा कह रहे हैं कि जाने के पहले ये उड़ने की प्रैक्टिस करती हैं, अभ्यास करती, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे अभ्यास करती हैं, क्योंकि जब ये अपने जगह पर होती हैं तो अकेले अकेले इस डाल पर, उस डाल पर, उस मोड़ पर, उस मुहाने पर बैठती हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रवास पर जाएंगी तो कोई अकेली चिड़िया तो जाएगी नहीं, पूरे झुंड के साथ जानी है, तो झुंड के साथ जब उड़ना है तो कैसे उड़ेंगे, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कि यह चिड़िया जब जाती है तो जाने के पहले झुंड में ही उड़ना ये शुरू करती है, मतलब सीखती है
कि बहुत सारी चिड़िया आपस में हम लोग कैसे उड़ेंगी, नहीं एक दूसरा टकरा टकरा के जमीन पे गिर जाएंगी, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है। दूसरी बात यह है कि सूरज निकलने और डूबने, ये भी ध्यान रखते हैं कि सूरज कब निकल रहा है, जब ये प्रस्थान करेंगी, और डूबने के पहले इनको अपना सफर पूरा करके वापस आना है, इसका भी ये ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर चली जाए और रात हो गए उसके बाद वापस नहीं पहुंच पाई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये तय करती है अपना फासला, सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान का समय का संकेत मिलता है। अच्छा, डूबने से भी समय का, प्रस्थान के समय कब हो गए ना, आगे ध्यान दीजिएगा। सूरज निकलने और डूबने से दोनों बातें आ रही है कि चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है। क्या मतलब यहाँ पर निकल रहा है कि हो सकता है कि कुछ चिड़िया ऐसी भी होंगी जो रात में उड़ती होंगी, हो सकता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, तो कुछ चिड़िया सुबह यानी दिन में उड़ती हैं और कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो रात के समय भी उड़ती हैं, तो सुबह और शाम के हिसाब से इनको वो संकेत मिलता है और तब ये अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ती हैं। और इस लंबी यात्रा में सूरज उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है। कुतुबनुमा किसको कहते हैं पता है, एक घड़ी है, जैसे हम अपने घड़ी देखते हैं ना, स्कूल जाना है तो कितना बजे देखो, छुट्टी होनी है तो 4:30 बज गए, क्या देखते हैं और घड़ी देख करके हमको पता चलता है ना समय का, ठीक वैसे ही सूरज की रोशनी जो है वो इनके लिए घड़ी का काम करता है। तो कुतुबनुमा मतलब एक घड़ी, ठीक। प्रश्न क्या है आइए देखें, चिड़ियों को प्रस्थान के समय का पता कैसे चलता है, सूरज निकलने और डूबने से, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप उत्तर दे सकते हो, आगे बढ़िए। चलिए, अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती हैं। धुंध और कोहरा पड़ने से जब सूरज छिप जाता है तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाए, पर जैसे ही कोहरा छटने के बाद दिखाई पड़ना शुरू होता है वे फिर अपने रास्ते पर आ जाती है। जब ये चिड़िया उड़ना शुरू करती है बच्चों, तो ये तो तय है कि सूरज की कोण यानी सूरज जिस जिस दिशा में दिख रहा है उस हिसाब से ये अपना मार्ग तय करती है। लेकिन आप कई बार ऐसे देखते हैं ना कि अचानक क्या हो जाता है, सूरज छिप जाता है, कभी भी धुंध हो जाता है, कभी भी कोहरा छा जाता है, मौसम का तो कोई ठिकाना है ही नहीं और आज तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो जब कोहरा आ जाए या धुंध पड़ जाए तो सूरज इनको दिखेगा क्या, नहीं दिखने वाला है, तो इनको पता कैसे चलेगा कि कौन से रास्ते में जाना है, तब इनको दिक्कत होती है और क्या हो जाता है, कुछ चिड़िया इधर उधर बिखर जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोहरा छटता है, जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है, वो वापस अपने रास्ते पर आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चलते चलते अपने रास्ते के निशान का भी ध्यान रखती है होंगी, ये तो तय है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं क्या करती है ये, रास्ते में कोई निशान, देखा मैंने बताया ना, रास्ते में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ध्यान रखती जाती है। पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं। ऐसे में छोटे निशान तो अक्सर दिखाई नहीं पड़ते। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये जब उड़ती हैं काफी ऊंचाई में है लेकिन फिर भी नीचे का ध्यान रखती है। बच्चों देखिए इनकी दक्षता, आप विषय को पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे चिड़िया ध्यान रखती है। जब ऊपर आसमान में उड़ रही है तो नीचे जमीन में क्या है कैसे पता चलता होगा, लेकिन ये पता कर लेती है, ठीक है। तो दिन में इनका पथ प्रदर्शन, एक बड़ा शब्द है, शब्दार्थ मैंने दे दिए हैं, पथ प्रदर्शन मतलब रास्ता दिखाना, ठीक है। तो इनका पथ प्रदर्शन मतलब इनको राह दिखाने का काम सूरज करता है, और जब रात हो जाती है तो रात का उजाला यानी तारे इनका पथ प्रदर्शन करते, रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये चिड़िया 600 से 1300 मीटर ऊंचाई कहते हैं ना, ऊंचा कहते हैं धरती से ऊपर जो कहलाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो 600 मीटर से 1300, जिसको अपन क्या कह सकते हैं 1300 भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब दहाई में हम चलते हैं तो इधर हजार की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। 1300 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ती है, मतलब न्यूनतम 600 मीटर ऊंची पे होती है यात्रा के दौरान और अधिकतम उनकी ऊंचाई 1300 मीटर यानी 1300 मीटर की ऊंचाई पर होती है। इसलिए क्या, जब बहुत ऊंचाई पर होती है ना तो इनको जो नीचे की जो चिन्ह है ना, जो मैंने कहा था आते जाते देखती है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ता। ये क्यों दिखाई नहीं पड़ता है और कौन देखना चाहती होंगी, बच्चों आप देखते होंगे कि अब कभी आप कहीं गए हो अपने माता पिताजी के सामने या आप अकेले जा रहे हो, तो जिस रास्ते से हम जाते हैं
देखते हुए चलते ना, यहाँ ये वाली दुकान है, ये कौन सी वाली मोड़ है, हम किस गली में घुसे थे, कौन सा बोर्ड लगा था, ठीक है, ये सब देखते देखते जाते हैं अनजान जगह पर। और जब हमको वापस आना होता है तो उन्हीं जगहों को देखते जाते हैं, क्योंकि हम तो उस रास्ते में कभी गए नहीं है ना, पहली बार जा रहे हैं, ये चिड़िया भी पहली बार जा रही है, उनको पता कैसे चलेगा, इसलिए इन जगहों को निशानों को देखते देखते जाते हैं। तो इंसान भी ऐसे ही करते हैं, तो इंसान और चिड़िया दोनों में एक जैसी प्रवृत्ति यानी आदत दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो मैं प्रश्न करूं कि चिड़िया कितनी ऊंचाई तक उड़ती है? हाँ हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल सही, 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर चिड़िया उड़ती है। ठीक, पर ये निशान इतने कम महत्व के होते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़िया का बच्चा जब पहले पहल प्रवास यात्रा पर चलता है, प्रायः अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चल देता है। इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर हैं कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती हैं, उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है, अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए। सहज वृत्ति एक बड़ा शब्द है आपके लिए, मतलब है सहज यानी सामान्य और वृत्ति मतलब आदत। क्या बता रहे हैं कि ये जो निशान है जो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा ना कि नीचे ये निशान को देखते देखते ये चलती हैं, पर ये निशान कितने कम महत्व के हैं, क्यों इनका महत्व कम है निशान का, क्योंकि 1300 मीटर की ऊंचाई पर यदि चिड़िया उड़ रही है तो उन्हें नीचे की चीज दिखाई पड़ने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये निशान को अगर देखती तो ये चिड़िया अपने बच्चों को भी अपने साथ साथ लेकर के चलती ना। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, मजेदार बात यह है कि सबसे बड़ा सबूत यह है निशान देखने की जरूरत नहीं है, कि कुछ प्रजातियों की जो चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो अपने प्रवास यात्रा पर अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग होते हैं। ये हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, आप भी ऐसा करते हो कि मम्मा के साथ कहीं जाते हो, वो कहती है मेरा हाथ पकड़ के चलना, लेकिन आप हाथ छोड़ देते हो, आगे आगे जाते हो, उस दुकान भी देखते हो, उस दुकान को देखते हो, तो बच्चे शरारती होते हैं ना, कौतूहल रहता है उनके मन में हर चीज को देखने का, तो इन बच्चों को भी तो होगा ना, क्योंकि इनके भी माँ बाप हैं। तो जो छोटी जो चिड़िया होती हैं वो अपने माँ बाप से अलग चल देती हैं और पहले उड़ान भरना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या छोटे बच्चों को दशा दिशा याद होती होगी? नहीं रह सकती, कहाँ ये चिन्ह देखेंगे, देख ही नहीं सकते। इसलिए ये जो बिंदु बताया जा रहा था कि ऊपर उड़ते हुए भी नीचे के निशानों का ध्यान रखती हैं, ऐसा संभव नहीं है। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर यह मानने के लिए बाध्य हैं, बच्चों मजबूर हैं हम, या मानना हमें पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कि वास्तव में केवल सूरज की रोशनी के अनुसार जो रास्ता इनको दिखता है उसमें वो जाती हैं और वहीं से वापस आती हैं, और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बल्कि यही कह सकते हैं यह इनकी सामान्य आदत है। तो सहज वृत्ति का मतलब क्या हो गया, जो सामान्य ढंग से आदत में जो शामिल हो जाती है उन चीजों को हम कहते हैं सहज वृत्ति। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास यात्रा पर चल देती हैं। अब और देखो, ये देखिए, इन लोगों ने प्रैक्टिस की थी ना झुंड में जाने की, लेकिन कुछ चिड़िया ऐसी है जो अकेली निकल पड़ती है। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही चलती हैं, अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में कर सकती हैं या करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती हैं, शायद इसलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। दो बातें आ गई यहाँ पर, कि चिड़ियों ने प्रैक्टिस की थी समूह में या दल में उड़ने की, लेकिन यहाँ भी विसंगति है कि एक दो चिड़िया प्रजाति ऐसी है जो अकेले ही निकल पड़ती है यात्रा के लिए, उनको समूह की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकांश है जो समूह में चलती हैं। बच्चों आपने भी आसमान को कभी कभी देखा होगा शाम या सुबह के समय, तो परिंदे जो है ना, मतलब चिड़िया जो है ना, ऐसे ग्रुप में ऐसे आकार बना बना करके उड़ती, कभी एक लाइन में या कभी स्क्वायर में करके चलती आपको दिखती है, अगर आपने देखा होगा तो। वो प्रवासी चिड़िया ही है, आप नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आगे से देखिए, ठीक है, लेकिन देखिएगा जो आपको इस प्रकार की चिड़िया देखने मिलेगी। तो ये चिड़िया जो है, और मजेदार बात यह भी है कि ये अपना काम पूरे दिन में समेट लेती है। क्यों रात में उड़ती है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि रात को आक्रामकों से खतरा कम रहता है। आक्रामक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बड़े परिंदे भी हो सकते हैं, बादल तक पक्षियां हैं, दूसरा शिकारी भी है ना, शिकारी तो दिन में जाएगा अधिकांश तरह, और रात में तो जंगल घूमेगा नहीं, ठीक है। तो आक्रामक, आक्रमण शब्द आपने सुना है, आक्रमण मतलब हमला, और जो हमला करता है, जो हमलावर होता है वो कहलाता है आक्रामक। लेकिन आक्रमक एक वचन है, यहाँ क्या कह रहे हैं, आक्रामकों मतलब आक्रमण करने वालों से इन चिड़ियों को खतरा अधिक रहता है,
इसलिए ये सारी चिड़िया रात में उड़ना अधिक पसंद करती हैं। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इन्हें रफ्तार में ये उड़ती हैं और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती हैं, इसलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। एक बात यह भी बता दिए इस अनुसंधान के माध्यम से कि जो छोटी चिड़िया होती हैं वो दिन में लगभग 30 किलोमीटर, जानते हो 30 किलोमीटर कितना होता है, कभी आते जाते हो कभी मीटर वो रोड में लगा हुआ देखा आपने, नहीं देखा, जैसे आप रायपुर में खड़े हैं आप भिलाई जाते हैं तो कितना है 27 किलोमीटर, आरंग जाते हैं तो कितना है 27 किलोमीटर, अभनपुर जाते हैं वही 27-28 किलोमीटर, ये सब इसी रेंज के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, तो जो दूरियां होती हैं वो इस तरह से नापे जाते हैं। और अब ये कहा है जमीन पर है, आपके पास आड़ी है, लेकिन ये जो चिड़िया है जो उड़ रही है वह भी उसी ढंग से चल जाएंगी कि वो ऊपर ऊपर उड़ जा रही है, लेकिन सतह के हिसाब से ही तो उड़ेंगी ना। तो प्रति किलोमीटर यानी एक घंटे में प्रति घंटा यानी हर घंटा ये 30 किलोमीटर का उड़ान भरती है। जैसे बस की स्पीड होती ना कि एक घंटे में बस कहाँ से कहाँ पहुंचती 55 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ट्रेन है तो कितना, फ्लाइट है तो कितना, ये अलग अलग होता है ना, ऑटो है तो कितना, हम बाइक में है तो कितना। ठीक है, ठीक वैसे ही इन चिड़ियों के लिए भी निश्चित होता है कि ये कितना हो सकती है, तो 30 किलोमीटर, और इनका क्या होता है एक दिन में औसतन 8 घंटा उड़ती हैं। एक दिन में औसतन, औसत मतलब एक मानक से है कहना चाहिए कि अधिकतम ये 8 घंटे उड़ती हैं। इसलिए क्या चाहिए कह रहे हैं कि इनकी उड़ान 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। आप लगा के देख लीजिए इंसान, आप तो गणित भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक घंटे में इन्होंने 30 किलोमीटर की उड़ान भरी है तो 8 घंटे के अंदर में 8 × 24 240 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या बना, प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन कितने घंटे उड़ती है। ना पूछ नहीं रही हूँ, आपको पता है कितने घंटे उड़ती, चले पूछ लेती हूँ कितने घंटे उड़ती है, हाँ बताइए, औसतन 8 घंटे। बहुत सही, बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती हैं। ये देखिए अब आ गया है ना कि जब छोटी चिड़िया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं और बड़ी चिड़िया 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती हैं, तो ये चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेके कैसे उड़ेंगी या बच्चे इनके साथ कैसे उड़ पाएंगे। दोनों में अंतर आएगा ना, स्पीड जिसको बोलते हैं ना, जिसको कहते हैं गति, समझ गए, दोनों की गति में बहुत अंतर है, तो आधा से भी कम है बच्चे। अगर 80 किलोमीटर फास्ट ये तय करती है फासला एक घंटे में बड़ी चिड़िया, तो 30 कितना हुआ, 80 का आधा हुआ 40, और 40 से भी 10 किलोमीटर कम है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अलग उड़ते होंगे और बड़े अलग उड़ते होंगे। तो बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती हैं, यानी उड़ती हैं कुल्ला के, और इसलिए वे एक दिन में काफी अधिक फासला तय कर सकती हैं। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफी समय तक उड़ना पड़ता है और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं। बच्चों मैंने बताया था ना कि इनके लिए उड़ना भी इतना आसान नहीं होता है। अगर ये कहीं समुद्री इलाके पे गए हैं और समुद्र को पार, पढ़े ना कभी सागर और महासागर को भी लोग पार करते हैं करके, ठीक है, तो महासागर को जब ये पार करते हैं तो सिंपल सी बात है वहां कोई रुकने के लिए कोई जगह तो होती नहीं होगी ना, कोई जहाज वगैरह कोई दिखे तो ये बैठेगी जा करके, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो इनको इतना ज्यादा उड़ना पड़ जाता है कि रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। 36 घंटे तक ये बड़ी चिड़िया लगातार उड़ती हैं, तो क्या बच्चे 36 घंटा उड़ पाएंगे, नहीं उड़ सकते, मुश्किल है। इसलिए बच्चे और बड़ी चिड़िया के उड़ने में विभेद की स्थिति जो है वो आती है। ठीक है, तो कितने घंटे तक उड़ती है ये चिड़िया बिना रुके, 36 घंटे तक। बहुत सही, अक्सर दल बुरे मौसम आंधी अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे जमीन पर उड़ रहे होते हैं, ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती हैं। सारांश यह कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ तो होती है, साथ ही खतरनाक भी होती है। बच्चों कह रहे हैं ये कि इनकी जो यात्रा है बहुत कठिन होती है, जैसे आपने देखा भी महासागर के बीच से उड़ रही है, कई बार ये आंधी में फंस जाती है, अंधड़ में फंस जाती है, मौसम बदल जाता है, ठीक है, तो इसलिए इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में बहुत सारी चिड़िया जो है वो मर जाती हैं।
कुल मिलाकर के ये प्रवास यात्रा कैसी होती है? कठिन होती है। मैंने आपसे प्रश्न भी किया है प्रवास यात्रा कैसी होती है, आप केवल एक ही रंग में जवाब नहीं देंगे कि प्रवास यात्रा कठिन होती है। कठिन तो होती है लेकिन क्यों, आपको थोड़ा पूरा बताना पड़ेगा कि थकाऊ होती है, उबाऊ होती है, खतरनाक होती है, क्योंकि अमुक अमुक जगह को पार करती है। अच्छा थोड़ा विस्तृत करके आपको उत्तर को बाद में देना होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं प्रवास पर आने वाली चिड़िया। अभी तक बच्चों हम ये देख रहे थे कि चिड़िया जो है प्रवास पर जाती हैं, कहाँ जा रही हैं, कौन कौन सी चिड़िया जा रही हैं, वापस कहाँ आई हैं। तो ये तो भारत से जाने वाली चिड़िया थी, क्या ऐसा भी होता होगा कि भारत में भी प्रवास में चिड़िया आती होंगी? बिल्कुल आती है। तो प्रवास पर आने वाली चिड़िया, अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती हैं। देखिए मतलब जो बाहर रहने वाली चिड़िया हैं उनको भारत का जाड़ा पसंद है, ठीक है, पर यहाँ वे प्रजनन नहीं करती। एक अंतर आ गया देखिए कि भारत की चिड़िया बाहर प्रजनन के लिए जाती हैं, लेकिन भारत से बाहर की चिड़िया यहाँ जब आती भारत में तो भारत में प्रजनन नहीं करती, शायद उनको जलवायु नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी या मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणी में रहती हैं, जाड़े के दिनों में भारत आ जाती हैं। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़िया में प्रायः वही होती हैं जो समुद्री किनारों, नदियों या झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाले बत्तखें और जल में विहार करने वाली होती है। तो पहला मुद्दा यहाँ पर क्या, दो बातें आ गई हैं, दो पॉइंट है इसमें, कि एक तो ये कि भारत में भी बाहर से चिड़िया आती हैं लेकिन ये कभी भी यहाँ पर प्रजनन नहीं करती, मतलब अंडे नहीं देती हैं। प्रजनन का मतलब अंडे देना, ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी चिड़िया हैं जो पूर्वी यूरोप, एशिया से लगा हुआ यूरोप, यूरोप के पूर्वी हिस्से में रहती हैं या उत्तरी और मध्य एशिया में जो रहती हैं, उत्तर की तरफ रहती हैं, ठीक है। तो वो उत्तर में रहने वाली, जो उत्तर एशिया में रहने वाली चिड़िया जो है या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहने वाली चिड़िया है, वो जाड़े के दिनों में भारत आ जाती हैं, क्योंकि हिमालय है तो जाहिर सी बात है ठंड बहुत होगी। और एशिया के उत्तर स्थिति में रहने वाले में भी, क्योंकि महासागर पड़ने वाला है, ठीक है, और महासागर किनारे है मतलब ठंडी अधिक पड़ने वाली है, तो इसलिए वहां से अधिक ठंड से बचने के लिए भारत के अंदर भी ये चिड़िया आ जाती है। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़िया या चिड़ियों में प्रायः वे होती हैं जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द रहने वाली या जुटने वाली बत्तखें और जल में विहार करने वाली होती हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कुल मिलाकर के कि ठंड से बचना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जाड़े के दिनों में भारत में आने वाली प्रवासी चिड़िया कहाँ से आती है? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप। बच्चों आपने अभी तक पढ़ लिया कि कौन आती है, कौन जाती है, कौन सी चिड़िया जाती आती है। अब एक इस पाठ को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, आपके पाठ्यक्रम में इस पाठ को रखा गया है उसके पीछे क्या कारण होगा, ठीक है, हम उस बिंदु पर आते हैं, ठीक है। यानी कौन जानकारी लेंगे, कैसे होगा जाने वाली चिड़िया, फंस गई, मर गई, बात आ रही है तो हम कैसे जानेंगे? तो प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठी करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है वो है उनकी टांगों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देना। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नाप के बने होते हैं, उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का नाम और पता दिया रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसको भी वह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले वह इसकी सूचना दे, मतलब चिड़ियों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो छल्ला पहनना, क्योंकि चिड़िया का पता तो हो नहीं सकता, चिड़िया का नाम तो हो नहीं सकता, चिड़िया का एड्रेस तो हो नहीं सकता, तो एड्रेस किसका मिलेगा, पहनाने वाले का ना, इसलिए पहनाने वाले के नाम पते को रजिस्टर में लिखा जाता है कि अमुक नंबर के छल्ले को अमुक व्यक्ति के द्वारा पहनाया गया है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण होगा कि कभी भी कोई चिड़िया गिर जाए, मर जाए, तो उस कंडीशन में जो छल्ला पहनाने वाले का पता है उनको आप जानकारी दे दें, ठीक, यानी सूचना दे दें उसकी। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो पहले बिल्कुल अप्राप्त थे। बच्चे मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 वर्ष कह रहे हैं ना,
इस पुस्तक को जब लिखा गया, जब पाठ को शामिल किया गया, तब की बात थी 5 वर्ष। अभी इस पाठ को पढ़ते पढ़ते आपको सालों गुजर गया है, तो 15 साल 20 साल भी हो सकता है। इसलिए अब साल वहां पर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस काम को करता कौन है छल्ला पहनाने के लिए। नाम तो लिखा रहता है छल्ले में, लेकिन करेगा कौन? किसी एक आदमी को आगे आना पड़ेगा ना, पहल तो करनी पड़ेगी ना। तो मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने एक योजना चला ली है और इसी योजना के तहत विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को पकड़ते हैं और उसे छल्ला पहनाने का काम जो है वो करते हैं। इसी के आधार पर बहुत सारी प्रजातियों के बारे में जानकारी लगातार हमको मिल रही है। ठीक, तो चिड़ियों की जानकारी रखने वाले संस्था का क्या नाम है आप बता पाएंगे? क्योंकि आपको बाद में पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही, मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक, कई जंगली बतखें 4,800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। छल्लों पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दे, और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। अब इस पैराग्राफ को बीच में डाला गया, क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया है कि जब मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस काम को लिया कि पक्षियों को पकड़ना, पकड़ करके उनके पैरों में छल्ले को पहनाना, उस छल्ले में क्रम संख्या लिखा जाना, उस छल्ले में पहनाने वाले का पता लिखा जाना, इससे ये लाभ हुआ कि हमारे जो कई जंगली बतख हैं, वो कई बतखें मतलब कुल मिलाकर के 4,800 किलोमीटर दूर जो साइबेरिया है, उस साइबेरिया नामक जगह में हम बतखें जो है वो मिले हैं। ठीक, तो यह फायदा उनको हुआ कि हमारे जो पशु पक्षी, हमारे जो पक्षियां जो हैं वो कहाँ कहाँ तक जा रही हैं और हमारे पास कहाँ कहाँ की पक्षियां जो है वो आ रही हैं। तो यह फायदा हमको मिला और इस सोसाइटी के कारण से, तो इस सोसाइटी ने बहुत बड़ा काम जो है वो किया है और धीरे धीरे इसके बारे में, परिंदों के बारे में जानकारी जो है इनके पास पूरी तरह से पुख्ता रूप में आ जाएंगी। पाठकों से निवेदन है, या मेरे तरफ से भी है, लेखक के तरफ से भी है, पुस्तक के तरफ से भी है, बच्चों निवेदन क्या होगा कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों को आप बताएं। क्यों बताना है? जिसे ये मालूम होगा कि अगर किसी को भी कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भारत में बहुत से ऐसी चिड़ियों का काफिला मिलता है, जब चिड़िया मिलती हैं उनके पाँव में विदेशों के छल्ले होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे ना कि बाहर से भी हमारे यहाँ चिड़िया आती हैं, यूरोप से आती हैं, एशिया से आती हैं, पूर्वी यूरोप से आती हैं, मध्य एशिया से आती हैं। यहाँ पर इस बात को पुख्ता कर दिया गया है कि जो भी चिड़िया मिलती हैं उनमें विदेशी छल्ले भी हमको मिलते हैं। तो विदेशी छल्लों को देखने के बाद पता चल जाता है कि यह चिड़िया भारत की नहीं है, ये बाहर की है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे स्वदेशी हों या विदेशी, सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए। और अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। क्या निवेदन किए? 2 लाइन में आपको समझ में आया होगा क्या कि जो भी चिड़िया जिस किसी को गिरी हुई मरी हुई अगर मिले तो आपको उसे उठाना है, उसके छल्ले के नंबर को देखना है, भेजने वाले के नाम को देखना है और उसे मुंबई के उस सोसाइटी में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में आपको उसकी जानकारी देनी है। ठीक है, यह भी ध्यान नहीं रखना है कि वह चिड़िया भारत की है या भारत से बाहर की है। हो सकता है भारत की बाहर की चिड़िया आपको दिख जाए, जैसे साइबेरिया में हमारी वो चली गई थी, चिड़िया चली गई थी, बतख चली गई थी, वैसे ही। ठीक है, तो विदेश की चिड़िया है तो पर भी से आपको बम्बई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में ही जानकारी आपको देनी होगी। ठीक है, ताकि इन चिड़ियों के बारे में सही जानकारी हमारी सरकार को संस्थाओं के माध्यम से मिल सके और हम अपनी चिड़ियों की प्रजातियों की सुरक्षा कर सकें, संरक्षण कर सकें। बच्चों, तो यह पाठ केवल आपके पढ़ने के लिए नहीं है,
बल्कि इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं भी आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप इस बात को अपने आसपास के परिवेश में अपने बड़े बुजुर्गों को, जिनको आप जानते हैं, उन्हें बताइए कि चिड़ियों की दुनिया के लिए इस प्रकार की बातें हमारे पाठों के माध्यम से है, हमसे निवेदन किया गया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें बताना चाहिए। ठीक है, तो आपने पाठ पूरी तरह से समझ लिया, देख लिया। मैं कुछ प्रश्न आप सभी से कर लूँ। बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि चिड़ियाँ अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियाँ करती हैं। पहले पैराग्राफ में हमने देखा था कि भोजन ज़्यादा करती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, उड़ने की प्रैक्टिस करती हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ जो हैं दिन में कितना उड़ सकते हैं, दिन और रात में उसको कितने किलोमीटर तक वो जा सकती हैं, इसकी भी वो लेखा जोखा रखती हैं, बिल्कुल ठीक। चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन बातों का खतरा रहता है, कोई बता सकता है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं कि एक तो आंधी तूफान का खतरा होता है, बहुत सही। समुद्र के ऊपर से जब गुजरती है तो उनको टिकने का सहारा नहीं होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और क्या है कि जो बड़े चिड़िया होते हैं, शिकारी हैं, है ना, तो इन सब से भी उनको खतरा रहता है, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, अपने समय का ध्यान रख के उनको उड़ना पड़ता है। ठीक, प्रवासी चिड़ियाँ रात में ही यात्रा क्यों करती हैं, रात में क्यों यात्रा करती हैं? अभी उत्तर, इसका उत्तर आ ही गया है कि उनको आक्रमकों से, मतलब जो बड़े परिंदे होते हैं उनसे, या फिर जो शिकारी होते हैं उनसे, जिसका दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, आक्रामक, तो आक्रामकों से खतरा होता है, इसलिए मैं अधिक रात में उड़ना पसंद करती हैं, बिल्कुल सही। कुतुब नुमा का क्या आशय है या क्या अर्थ है, या पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है? कुतुब नुमा एक सुई है जो दिशा का बोध कराती है, तो यह जो है पक्षियों की यात्रा में, कि मतलब वो इंगित करती है कि पक्षियां किस तरफ से जा रही हैं, आ रही हैं, इस प्रकार मानव के लिए भी सहायता प्रदान करती हैं और चिड़ियों के लिए भी, ये बात इस पाठ में आपने देखा है। पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और उबाऊ होती है, है ना, थकान भरी होती है, उबाऊ होती है, ये बता रहे हैं। क्यों हो रही हैं, हम लगातार इस पर चर्चा किए ना, कि बड़े बड़े समुद्रों के पार से भी उनको गुजरना पड़ता है, काफ़ी जंगल झाड़ियों के बीच से चलना पड़ता है, रुकने के लिए कई बार जगह नहीं होती हैं, आंधी तूफान में फंस जाती हैं, अपने समूह से कहीं बिछड़ जाती हैं, इस प्रकार कई परेशानियों का सामना इन हमारे परिंदों को, इन चिड़ियों को करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि लंबी लंबी यात्रा करने के बाद कारण उनको उबाऊ होती हैं। अभ्यास में से मैंने फिर से बड़े बड़े प्रश्न आपके सामने रखे हैं, जो आप लगातार चिंतन करें, जो आपके पाठ से हैं, मैंने पाठ से बाहर नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा कि अजीब बात, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ठंडे स्थान, सख्त जाड़े, प्रवासी चिड़िया, ये विशेषण विशेष हैं। इस तरह की बातें इस पाठ में बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है। पाठ में इस प्रकार के वाक्यों का बहुतायत प्रयोग हुआ है, पाठ में और भी ऐसे विशेषण विशेष के प्रयोग हैं शब्दों के, जिन्हें आपको खोजना है। यानी चार पांच अक्षर वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, जो दिख रहा है, जो आपके पाठ के पीछे भी दिए हुए हैं अभ्यास के रूप में, आप उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन पूरी पाठ को पढ़ने के दौरान अगर इस प्रकार के शब्द मिलते हैं बच्चों, तो उसे आपको खोजना है। पाठ में विशेषण प्रयोग के एक दूसरे स्वरूप को भी देखिए, जैसे कोई संतोषजनक उत्तर, जो दिमाग उन प्रजातियाँ, उनका जीना, उस समय, यहाँ कोई, जो, उन, उनका, आदि शब्द सर्वनाम है जिनका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ये भी आपको जानना है। गृह कार्य, विभिन्न तरह के पक्षियों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस विषय पर शिक्षक से बातचीत कर एक आलेख तैयार करिए। यह आपको घर में करना है, आप शिक्षकों से मदद ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से मदद ले रह सकते हैं, और इसको आप बनाने का प्रयास करिए, इस पर चिंतन करिए, मनन करिए कि इन प्रजातियों के, पक्षियों के कम होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। वैसे अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पाठ में पढ़ लिया है कि क्यों पक्षियाँ जो हैं वो लगातार कम हो रही हैं, ठीक है। पर आप अपने ढंग से अपने विचार को उसमें संजो करके अपनी लेखन क्षमता को दुरुस्त करिए। दूसरे नंबर पर है, बहुत से लोग कई कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी दुर्लभ प्रजातियों का शिकार करते हैं, इस प्रवृत्ति पर रोक
लगाने के लिए जन जागृति के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, साथियों से चर्चा करके लिखिए। क्या कह रही हूँ मैं कि ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रतिबंध मतलब नियमावली हमारे पास होते हैं, ठीक है। यह शिक्षा का अधिकार भी आपका कानूनी ही है, अधिकार है आपको कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। पालन पोषण का आपका मौलिक अधिकार होता है, आपका ये अधिकार है कि कोई आपकी मतलब पेरेंट्स जो आपकी परवरिश करे, वैसे ही यह अधिकार यहाँ पर भी हो सकता है कानूनी, है ना। कि बहुत से लोग कई कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी, यानी प्रतिबंध यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको शिकार नहीं करना है किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को, आपको मारना नहीं है, यह भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत है। आप परेशान नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। यानी उन प्रजातियों को भी एक तरह से संरक्षण प्राप्त है, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों का शिकार करते हैं। बच्चों ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि हम उस पर रोक लगा सकें, तो क्या किया जाना चाहिए इस पर आप परिचर्चा करिए, अपने लेख तैयार करिए, लोगों को भेजिए, लोगों को बताइए, ताकि आप पक्षियों के संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकें और लोगों को जागृत करने में आप सफल हो सकें। तो बच्चों आपने सालिम अली जी का यह महत्वपूर्ण अनुसंधान वाली पाठ दो भागों के माध्यम से अध्ययन आपने किया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के हिसाब से आप पाठ को एक बार दोहराइएगा, आप पढ़िए कि प्रवास क्या है, प्रवास कौन कौन कर सकते हैं, प्रवास में क्या होता है, प्रवास में कहाँ जाते हैं, प्रवास के लिए क्या तैयारियाँ होती है, प्रवास में क्या परेशानी आती है, प्रवास किस वक्त किया जा सकता है, प्रवास के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रवास में यहाँ लोग आते हैं भारत में, मतलब लोगों के साथ में, या चिड़िया की बात हो रही है कि क्या प्रवासी चिड़िया भारत में भी आती हैं, उनके आने के पीछे क्या कारण हैं। इन सब बातों को देखने के बाद जो मैसेज गया है इस पाठ में, इस मैसेज को भी आपको आपस में चर्चा करनी है और एक जन जागृति का अभियान आप न भी करें तो जन जागृति में आप अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और इस पाठ को आपने बखूबी समझ लिया होगा, अगर समझ में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अपने शिक्षक से इसमें मदद ले सकते हैं, ठीक है बच्चों।